तो वेल गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यार, व्हाट्सएप के अंदर एक नया अपडेट आ रखा है चैनल का। यार बहुत लोग को इस अपडेट से दिक्कत हो रही है और बहुत लोग के लिए सही भी है, जिसके अंदर आप फॉलो कर सकते हैं लोगों को, दूसरों को यार। लेकिन इस चीज़ों से बहुत लोग को इससे दिक्कत हो रही है चैनल से, क्योंकि किसी को भी ज़रूरत नहीं है यार, मेरे को भी इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है चैनल की कि मैं किसी को फॉलो करूँ इसके अंदर ना, या कोई चैनल बनाऊँ। ये ज़्यादातर बेनिफिशियल है क्रिएटर लोगों को, जिनका खुद का कोई यूट्यूब चैनल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलाते हैं क्रिएटर्स लोगों के लिए, ये है चैनल्स। तो दोस्तों वेल, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे हम इस चैनल वाले ऑप्शन को हटा सकते हैं, कैसे इस अपडेट को हटा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से बिना किसी देरी के चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको इस चीज़ को हटाना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यार, मेरा व्हाट्सअप यहाँ पे खुल चुका है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इस चैनल को हटाना है। तो वेल, आप जैसा कि देख सकते हैं अपडेट कुछ ही दिन पहले आया, सितंबर के 15 तारीख के बाद ही अपडेट आ रखा है व्हाट्सअप के अंदर यार, ठीक है। बहुत लोग को इससे दिक्कत हो रही है। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कैसे इस चैनल को आप यहाँ से हटाने वाले हैं यार। तो कुछ नहीं करना है, उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसके ऊपर डेली टू डेली कैंपेन्स आते रहते हैं। पेटीएम अर्निंग आप करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो वेल, अब बात करते हैं हम कैसे हम इस चैनल वाले ऑप्शन को यहाँ से हटाने वाले हैं व्हाट्सअप से। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूँ, व्हाट्सअप के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहाँ से आप ईजिली जाके इसे डिसेबल कर दें, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप लोगों ने अपडेट कर लिया है इसे प्ले स्टोर से, तो अब ये हटाने के हिसाब से नामुमकिन है। लेकिन रुको, मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस चीज़ को हटा के दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत करना। तो वेल गाइस, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसा देख सकते हैं मेरा चैनल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसको हटा के दिखाने वाला हूँ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। चलो हम गूगल पे अपने चल जाते हैं। तो गूगल पे मैं जाता हूँ और गूगल पे आपको यहाँ पे सर्च मारना है व्हाट्सअप ओल्ड वर्जन, व्हाट्सअप ओल्ड वर्जन डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखती है ओल्डर वर्जन ऑफ व्हाट्सअप, सबसे पहले अप टू डाउन वाले पे जो वेबसाइट आएगी उसी पे क्लिक कर देना है आपको। तो दोस्तों वेल, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको साइड में एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा जो ओल्डर वर्जन का है, जो कुछ ही दिन ये अपडेट आने से पहले ही वो उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो इस वाले वर्जन को आप अगर डाउनलोड करते हैं इससे पहले वाले को, तो आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वेल, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर नीचे इस वेबसाइट के अंदर, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे जो भी वर्जन, जो भी अपडेट्स आ रखे हैं, वो सारी यहाँ पे आपको ऐप मिल जाएंगे व्हाट्सअप के। आप इसमें से किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आपने देख रखा था अभी स्क्रीनशॉट के अंदर, तो उसके अंदर 2.23.18.79 वाला वर्जन हमारा पुराना वाला है। तो उससे पहले कि हम कोई भी वर्जन डाउनलोड कर लेंगे तो हमारा उसके अंदर कोई भी अपडेट वाला दिखाने वाला नहीं है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 18.77 वाला है, एक 76 वाला है, तो इनमें से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपका इजीली हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएगा, इस वाले को डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर देना है, तो आपका ईजिली यहाँ से डाउनलोड फाइल यहाँ पर हो जाएगी। तो वेल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो चुका है व्हाट्सअप। तो यार, इसे इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको कौन नहीं करना, अपने व्हाट्सअप पर जाना है और व्हाट्सएप पे जाने, इस ऐप को इंस्टॉल करने से पहले यार आप अपने चैट का बैकअप ले लेना सेटिंग पे जाके। सेटिंग पे जाना, यहाँ पे चैट्स में जाना और इजीली यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे चैट बैकअप पे क्लिक करके अपने चैट का पूरा बैकअप ले लेना। चैट का बैकअप लेने के बाद ही आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना जाके अपने क्रोम ब्राउज़र से, सारा बैकिंग आपका मैसेज हो जाएगा। उसके बाद ही आपको जाके यहाँ से ईजिली व्हाट्सएप को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता ही है कैसे आपको सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोसेस करना है और इजीली आपका यहाँ पे व्हाट्सएप डीग्रेड यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका इस प्रोसेस से ओल्डर वर्जन आ जाता है तो कमेंट में जाके ओके एंड डन लिख देना थम के साथ। तो मेरे हिसाब से इस प्रोसेस से आपका इजीली चैनल वाला ऑप्शन हट जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे अगर आप लोग भी ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके मैं बताते रहता हूँ जिससे आप इजीली डेली टू डेली अर्निंग करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।